चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जाने के लिए बात कही तो तिल मिला दे, असभ्य भाषा का प्रयोग करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को गाली दे, अभद्र भाषा का प्रयोग किया उनके लिए, उनकी बुद्धि खराब है। केजरीवाल जी तो हमेशा ही कहते हैं हमें जो गाली देनी है दो, परंतु जनता का काम तो करो। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पूरे हिंदुस्तान में अगर भारत सरकार के आंकड़े निकालते हैं तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, हर निगमों में पूरा पूरा भ्रष्टाचार जब हो रहा है तो उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे। स्कूलों का बुरा हाल है, एक भी स्कूल बहुत बेहतरीन नहीं कर पाए। मैं आपको दिखा दूं, ये खट्टर साहब अपने बचपन के स्कूल पे गए कभी, ये उसकी फोटो है और ये दिल्ली के सरकारी स्कूल की फोटो है साथ में, तो आप ये अंदाजा लगा लें खट्टर साहब अपने इस बचपन के स्कूल में गए, कम से कम उसको तो सुधार लेते। सारे प्लस्तर उखड़े पड़े हैं, दरवाजों की हालत खराब है, नीचे रूढ़ी किस तरीके से बिखरी हुई है। ये पोजीशन उनके अपने स्कूल की है, अपने स्कूल में जाते बच्चों को लगता है कि मुख्यमंत्री आए हैं, हमारे स्कूल का एक बेहतरीन चीजें हुई है, ऐसी स्थिति यहाँ पर आनी चाहिए थी। ये पोजीशन ऐसा ही हॉस्पिटलों का है, हॉस्पिटलों में कोई इलाज कराना पड़ता है तो दिल्ली की तरफ जाना पड़ता है। महंगाई काबू से बाहर है, किसान की दुर्गति हो रही है। किसान को कभी ये आतंकवादी कहते हैं, कभी कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के अंदर जड़े हैं, ये अपने ही देश के अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन खट्टर साहब को इनकी कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो चौटाला परिवार को लाखों रुपए पेंशन जाए इस बात की फिक्र है, कहीं पेंशन कट ना जाए। हमने डिमांड की थी कि एक MLA को एक पेंशन दे, हमने कानून बनाया पंजाब के अंदर एक MLA को एक पेंशन मिलेगी, हमने हरियाणा के अंदर आके घोषणा की कि आम आदमी पार्टी का हर नेता पूरे देश के अंदर केवल एक पेंशन लेगा। हरियाणा सरकार से भी निवेदन किया कि आप भी एक पेंशन की बात करें, एक पेंशन का कानून लेकर आए, इस पर वो तिल मिला गए। एक पेंशन मिले तो करोड़ों रुपए बच सकते हैं, जब करोड़ों रुपए बचेंगे तो गरीब बच्चों की पढ़ाई के काम आ सकते हैं। मैंने खट्टर साहब के स्कूल की तस्वीर आपको दिखाई, ऐसी हालत स्कूलों की है। मनोहरा खट्टर जी से अगर हमारे मान को मान के एक पेंशन का कानून लागू कर देते तो करोड़ों रुपए बचते, तो अपने बचपन के स्कूल में जाते तो उसकी हालत सुधरी हुई होती। ऐसी हालत नहीं होती कि बच्चों के बीच में जाके बताएं कि मैं बचपन इस स्कूल के अंदर पढ़ा हूं। मैं फिर ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करके तिलमिला गए, इसका मतलब ये अपनी पेंशनों को छोड़ना नहीं चाहते। सरकारी खजाने में लगातार 5-5, 6-6 पेंशन का डाका पड़ता रहे, बच्चे त्रस्त रहे अच्छे एजुकेशन के लिए, बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल के लिए दिल्ली की तरफ भागता रहे, इन चीजों में सुधार करना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ खटारे हो चुकी सरकार ने अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से चलना शुरू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते वक्त देर नहीं लगेगी। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आए और खास लोगों की मनमानी हो। पूरे हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवक आज बेरोजगारी की वजह से चल पड़ा है, पूरे हरियाणा के अंदर आज स्कूल और कॉलेजों का बुरा हाल हो चुका है, पूरे हरियाणा के अंदर आज अपराध बढ़ता जा रहा है, गुंडा राज हो चुका है, पूरी तरीके से खट्टर सरकार खटारा हो चुकी है। अब हम इनसे पुनः मांग करते हैं कि एक पेंशन एक MLA के लागू करें कानून को, ताकि ये जो करोड़ों रुपए बचे हरियाणा के हालत को सुधारने के लिए काम। पानीपत के नगर निगम में भ्रष्टाचार मैं तो पहले ही बताया कि खटारा सरकार अपने दोषों को कब तक छुपाए, मीडिया को बंद कर दे, परंतु पैसे के बंटवारे में इनके पार्षद लड़ रहे हैं कि भाई इसको इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, इतना हिस्सा मिलना चाहिए, तो खुद ही उनका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। तो ये जो स्थिति है प्रदेश के लिए पानीपत के लिए बहुत बढ़िया नहीं। तो ये 10 मार्च को चुनावी नतीजे आया, एक महीना हो गया,
पंजाब में सरकार बन गई, हरियाणा में पार्टी का ग्राफ ऊंचा उठ गया। अगर आप मानते हैं सरकार फेल है, लोगों के काम नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का रोड मैप क्या है लोगों को सड़क पे लड़ाई लड़ने का? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, पूरी तरीके से तैयार है। जैसे 20 लाख रोजगार का बजट हमने दिल्ली के अंदर निकाला, हरियाणा के युवकों को भी रोजगार देंगे। हमने जिस प्रकार से पंजाब के अंदर 1 MLA 1 पेंशन की योजना लागू करी, यहां भी करेंगे। हमने पंजाब में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया कि आप अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप हमें भेजें, और उसकी वजह से जो 15 दिन में 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पंजाब सरकार को आता था वो 24,000 करोड़ रुपए का आया, 8,000 करोड़ रुपए हमने 15 दिन के अंदर बनाया। वही रोड मैप जो दिल्ली मॉडल का वो यहाँ पे है, परंतु इस खट्टर सरकार ने जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होके, अपराधों के अंदर लिप्त होके, बेरोजगारी को चरम सीमा पर पहुंचा के हरियाणा में खटारा कर दिया है, उसको बदलने के लिए हरियाणा का आम आदमी बहुत तत्पर। देखिये, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये भ्रष्टाचार में मिलकर सरकार खटारा हो चुकी है चारों तरफ। पानीपत नगर निगम की बात नहीं है, करनाल का वो कहते हैं मुख्यमंत्री के कार्यालय में पैसे जाते हैं, बच्चों का पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पैसा पकड़ा गया, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर पैसे जाते हैं, तो इन हालातों को कहीं ना कहीं सुधारना। आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल का रोल निभा रही है, कांग्रेस हरियाणा के अंदर हाशिए पे चली गई है और आम आदमी पार्टी इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। करनाल के अंदर भी आम आदमी पार्टी के इंडिपेंडेंट पार्षद ने इनका भ्रष्टाचार को उजागर किया, उस DTP को और पटवारी को पकड़ाया। यहाँ पे हमारे लोग हर रोज प्रदर्शन करते हैं, यहाँ का भ्रष्टाचार तो भाजपा के लोग ही पैसे के बंटवारे के कारण खुद ही उजागर करने लगे कि किसको कम मिले किसको फालतू करो। कल की आपकी संगठन की क्या रूपरेखा रहेगी, जैसे कल हाउस की मीटिंग है और उन्होंने टोटली मीडिया पे बैन लगा दिया, ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं। ये तानाशाही रवैया है, तभी मैं कह रहा हूँ कि सरकार खटारा हो चुकी है। आप इस बात को समझ लें, सरकार अपने दोषों को छुपा रही है, अपने स्कूलों को छुपा रही है, अपने हॉस्टलों को छुपा रही है, अपने भ्रष्टाचार को छुपा रही है, और इस तरीके से सरकार लंबी नहीं चल रही। पानीपत में भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के गुट नजर आ रहे हैं, अभी भी कुर्सी पे लड़ाई बदल रही थी, आगे भी लड़ाई होगी। जब परिवार बढ़ता है ना जी, तो ये टिकटों का कंपटीशन भी चलता है, बाकी चीजों का भी चलता है, कोई खास बात नहीं है, परंतु परिवार एक रहता है। जिलाध्यक्ष की कुर्सी को कौन घेर सकता है, जो जिलाध्यक्ष है वो है, उसकी कुर्सी नहीं गिरा करते कभी। गुप्ता जी, आपकी पार्टी की महिलाओं का कहना है कि महिलाओं को पार्टी में बहुत कम मौका मिलता है, बात की जाए मंत्रिमंडल में हो या कैबिनेट में हो, सारे हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को प्राथमिकता आम आदमी पार्टी देती है। महिला की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया के अंदर जितने कैमरे लगे हैं सबसे ज्यादा राजधानी के अंदर लगाए गए। 1 लाख करोड़ की केंद्र सरकार से उसको लेकर काफी टिप्पणी आई है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए,